हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। पहले आप जूल्स लॉ एक बार देख लीजिए, फिर उसके एप्लीकेशन देखेंगे। मान लीजिए कि ये एक रेजिस्टेंस है जिसको आपने एक सर्किट में लगाया हुआ है, और सर्किट में जो बैटरी लगाया हुआ है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इज वी। सो वी आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, आर रेजिस्टेंस हो गया, आर यू करेंट उज नो आई। सो हीट प्रोड्यूस, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या बोलता है बाबू? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग बोलता है एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इंटू टी, यानी कि जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, जितना ज्यादा करंट जाएगा स्क्वायर में उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा, या जितने टाइम के लिए आप सर्किट को ऑन रखेंगे उतना ज्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। अब इसके एप्लीकेशन देखना है कि रियल लाइफ में जूल्स लॉ का क्या एप्लीकेशन है। तो पहला एप्लीकेशन क्या होता है? इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब में होता है यूज इसका। दूसरा होता है बाबू फ्यूज, फ्यूज में यूज होता है। तो एक एक करके देखेंगे। तो देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब में कैसे यूज होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आप घर में देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब का शेप कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पर देखेंगे एक ऐसे ऐसे वायर लगा रहता है, और इसी वायर में करंट जाता है। तो इस वायर को बोलते हैं फिलामेंट। क्या बोलते हैं बाबू? फिलामेंट। और ये फिलामेंट जो है टंगस्टन मटेरियल का बनता है, टंगस्टन मटेरियल का बनता है। तो फिलामेंट में क्या होता है कि फिलामेंट में जब करंट जाता है बाबू, तो करंट जाने से फिलामेंट जो होता है बाबू हीटअप होना शुरू होता है, गर्म होना शुरू होता है, जिस वजह से इसका टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर में राइज आता है, टेम्परेचर बढ़ता है। अब आप देखिएगा किसी चीज़ को, आप लोहे को गर्म करते होंगे तो पहले लोहे को गर्म करेंगे तो ब्लैक रहेगा, जैसे जैसे गर्म होता है उसका कलर चेंज होता है, और बाद में थोड़ा सा रेड होगा, और गर्म करेंगे तो क्या होगा, व्हाइट होगा। जैसे ही व्हाइट होगा तो बहुत ज़्यादा लाइट एनर्जी देता है, क्लियर। तो वैसे ही क्या होता है फिलामेंट को, जब आप फिलामेंट में इलेक्ट्रिसिटी जाता है तो फिलामेंट गर्म होना शुरू होता है, और फिलामेंट जब गर्म होता है तो उसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से उसका कलर चेंज होता है, और कलर चेंज होने से टाइम ऐसा आता है जो व्हाइट हो जाता है, और व्हाइट होने से आपको इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, मिलने लगता है, कुछ कुछ येलो कलर के भी होते हैं। तो अब मान लीजिए कि ये फिलामेंट गर्म हुआ है, गर्म होने से ही आपको लाइट एनर्जी मिला हुआ है। तो ध्यान ये रखना है कि फिलामेंट क्या हो, पिघले नहीं, क्योंकि किसी चीज को गर्म करेंगे तो मेल्ट कर जाएगा। तो ध्यान रखना है कि फिलामेंट क्या है, मेल्ट नहीं करे। और ये भी ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा हीट प्रोड्यूस हो। तो जिस फिलामेंट आप अगर किसी मटेरियल का बना रहे हैं तो दो चीज का ध्यान रखना है कि उस मटेरियल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। मेल्टिंग पॉइंट शुड बी हाई। उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होना चाहिए कि वो गर्म, मान लीजिए घंटा दो घंटा बल्ब आपने जलाया तो गर्म होकर पिघले नहीं, मेल्टिंग पॉइंट शुड नहीं। और दूसरा चीज क्या होना चाहिए कि बाबू उसका रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं, रेसिस्टिविटी या रेजिस्टेंस शुड बी हाई। यानी कि जिस मटेरियल का फिलामेंट बना है आपका, उसका दो प्रॉपर्टी होना चाहिए। दो प्रॉपर्टी क्या है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए उस मटेरियल का, और दूसरा उस मटेरियल का रेसिस्टिविटी हाई होना चाहिए, रेसिस्टेंस हाई होना चाहिए। अगर यानी कि जब भी आप इलेक्ट्रिक बल्ब बना रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि जिस मटेरियल का फिलामेंट बना रहे हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होना चाहिए, उसका रेसिस्टिविटी हाई होना चाहिए। तो टंगस्टन एक ऐसा मटेरियल है जो ये दोनों प्रॉपर्टी को क्या करता है, फॉलो करता है। इसीलिए हम इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट के लिए हम टंगस्टन मटेरियल का यूज करते हैं। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में। अब देखिए इलेक्ट्रिकल फ्यूज के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा एप्लीकेशन इलेक्ट्रिकल फ्यूज, ये एक एक चीज ध्यान रखिए। मान लीजिए सीरीज में हमने बहुत सारे बल्ब लगाया हुआ है, या बहुत सारे डिवाइस लगाया हुआ है। मान लीजिए कि हमने यहाँ पर सीरीज में एक तीन तरह का रेजिस्टेंस लगाया हुआ है, तो इसको हमने बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। तो होगा क्या कि मान लीजिए कि ये टीवी यहाँ पर लगा है, ये एसी है मान लीजिए, और ये फ्रिज है। अब मान लीजिए अचानक से हाई वोल्टेज जाएगा या हाई करंट जाएगा, तो सब में हाई करंट जाएगा। अब मान लीजिए टीवी लगाते हैं, एसी लगाते हैं, फ्रिज लगाते हैं, तो उसका पावर लिखा रहता है कि इतना
एम्पियर पे या इतना वोल्ट पे चलेगा, उससे ज्यादा करंट हुआ या उससे ज्यादा वोल्टेज हुआ तो जल जाता है, वो खराब हो जाता है। तो कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस खरीदने का उस पर लिखा गया कि इतना वोल्टेज पे काम करेगा या इतना करंट चाहिए, उससे ज्यादा अगर करंट जाएगा तो क्या होगा, खराब हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने सर्किट में लगा दिया ये तीनों, अब हाई वोल्टेज गया तो हो सकता है कि ये भी जल जाए, ये भी जल जाए, ये भी जल जाए। मान लीजिए कि 20-30 हज़ार का इलेक्ट्रिक लिया, 20-30 हज़ार का एसी, 20-30 हज़ार का फ्रिज है, तो लाखों का नुकसान हो सकता है। और घर में तो हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो हमको एक ऐसा डिवाइस लगाना है कि अगर हाई वोल्टेज हो या हाई करंट हो तो डिवाइस क्या हो, जल जाए पहले ही। जलने के बाद क्या होगा कि सर्किट को क्या करेगा, ब्रेक कर देगा और करंट आगे फॉलो नहीं करेगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, फ्यूज का यूज करते हैं कि टू प्रोटेक्ट द हाउस डिवाइसेस। घर में जो भी डिवाइस होता है जैसे टीवी, एसीसीडी, उन सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हम फ्यूज का यूज करते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एक भी अगर खराब हो गया मान लीजिए, या यहाँ से हमने सर्किट को ओपन कर दिया तो करंट जाएगा इसमें, नहीं जाएगा। तो हमको क्या करना है कि हमको एक ऐसा डिवाइस लगाना है कि ज्यादा वोल्टेज या ज्यादा करंट होते ही वो डिवाइस क्या हो जाए, काम करना बंद कर दे, खराब हो जाए, तो सर्किट क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा और उसके बाद आगे करंट नहीं जाएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक छोटा सा एक फ्यूज लगाएंगे, यहीं पर एक फ्यूज लगाएंगे। फ्यूज कुछ होता नहीं है, फ्यूज एक वायर होता है। क्या होता है बाबू, एक वायर होता है, छोटा सा लेंथ होता है इतना, एक यूनिट के साइज का वायर होता है, वहां पर लगा देंगे। तो देखेंगे क्या कि ज्यादा इसमें जैसे ही करंट प्रोड्यूस होगा या करंट जाएगा तो हीट प्रोड्यूस होगा कितना होगा, I² RT। और हीट प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये वायर मेल्ट कर सकेगा, क्या होगा, मेल्ट कर जाएगा। जैसे ही मेल्ट करेगा इसमें करंट जाना क्या होगा, बंद होगा, और ये आपका टीवी एसी फ्रिज क्या होगा, खराब होने से बच जाएगा। तो यहाँ पर फ्यूज जो लगाएंगे उसका क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए, उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए बाबू, मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो, उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए कि तुरंत पिघल जाए। और दूसरा रेसिस्टिविटी शुड बी आल्सो लो, यानी कि जिस मटेरियल का फ्यूज बनाए हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए और उसका रेसिस्टिविटी भी क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तभी तो क्या होगा कि करंट एकदम से जाएगा तो क्या होगा, मेल्ट करके पिघल जाएगा और सर्किट बच जाएगा। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रिकल फ्यूज को आप किसमें यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन में, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन। और ये हमेशा घर के बाहर, यानी कि यहां से आपका घर का एसी फ्रिज टीवी शुरू होता है तो मेन जो कनेक्शन होता है वहीं पर मेन बोर्ड में ही फ्यूज लगा दिया जाता है कि जैसे ही हाई वोल्टेज या हाई करंट आया तो ये क्या होगा, फ्यूज जो है गर्म होकर पिघल जाएगा और इधर करंट जाना बंद हो जाएगा और हमारा सारा सामान बच जाएगा। तो फ्यूज जो बनाते हैं वो ऐसे मटेरियल का बनाएंगे आप कि उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो और रेसिस्टिविटी क्या हो, कम हो। ठीक है, तो आपने जूल सुबह के दो एप्लीकेशन देख लिए, एक तो इलेक्ट्रिकल फ्यूज और दूसरा इलेक्ट्रिकल फिलामेंट। फिर एक बार मैं रिकैप करवा देता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। जूल सुबह के दो एप्लीकेशन, पहला है बाबू फिलामेंट जो बल्ब में यूज होता है, फिलामेंट, और दूसरा है बाबू फ्यूज। तो ये जो है इलेक्ट्रिकल बल्ब यूज होता है, इलेक्ट्रिकल बल्ब या इलेक्ट्रिक हीटर में यूज होता है, ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिक हीटर। तो जिस मटेरियल का आप बनाएंगे बल्ब का फिलामेंट या इलेक्ट्रिक हीटर, उसका प्रॉपर्टी क्या होना चाहिए, हाई मेल्टिंग पॉइंट और दूसरा हाई रेसिस्टिविटी। अच्छा, फ्यूज का क्या है, ये हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन और मेन बोर्ड में यूज होता है बाबू, सीरीज कॉम्बिनेशन मेन बोर्ड में यूज होगा, मेन बोर्ड। और इसका क्या होगा, लो, जिस मटेरियल को बनाएंगे उसका क्या होगा, लो मेल्टिंग और लो रेसिस्टिविटी भी होगा, लो रेसिस्टिविटी। सो आप ये सब देख लेंगे, ये वीडियो देख लेंगे, आपको जूल सुबह ऑफ एप्लीकेशन ऑफ जूल सुबह क्लियर हो जाएगा, क्लियर। आगे क्लास में हम आगे डिस्कस करेंगे इसको। बाय, टेक केयर।